Hello and welcome to Dev IAS Study Center. Now we'll discuss about the extensive aids of the construction of statutes. So what are the extensive aids in the construction of statutes? Extensive aids kya hai construction of statutes ke bare mein? तो गाइज हम लोग इंट्रेंसिक एड्स पढ़ चुके हैं. तो बिफोर डिस्कसिंग दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एड आर बेसिकली हेल्प एंड टू हेल्प आर टू सपोर्ट, राइट. सो अगर हमें स्टैट्यूट्स के इंटरप्रिटेशन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो हम उसकी हेल्प या सपोर्ट ले सकते हैं. वो हेल्प या सपोर्ट कैन बी टू काइंड, वन इज़ इंटरनल एंड अनदर वन इज़ एक्सटर्नल. इंटरनल हम कवर कर चुके हैं. इंटरनल जो स्टैट्यूट्स के अंदर होती हैं, जैसे कि उसका प्रीएम्बल है, उसका टाइटल है, उसका एलुस्ट्रेशंस है एंड पंक्चुएशंस हैं एंड वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल एड्स वी हैव कवर्ड. सो लेट्स आई कैन शो यू लाइक the internal acts we discussed like preamble, heading, marginal notes, definitions, illustrations, provisions, explanations and punctuations. So agar aap logo ko internal act dobara dekhne hain ya fir internal act aapne nahi dekha hai to aap dekh lijiye. Maine abhi iske pehle wale lecture mein just before this lecture I have covered that. So here we will cover the extrinsic acts. Extrinsic act, jaise ki naam se hi pata chal raha hai ki jo internal acts hain उनमें इंटरनल स्टैट्यूट्स का हम रेफरेंस लेंगे, पंक्चुएशंस का लेंगे, इलस्ट्रेशंस का लेंगे. मार्जिनल नोट्स का हम नहीं लेते हैं क्योंकि मार्जिनल नोट्स आर नॉट पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट, दे आर मेनली पार्ट ऑफ द ड्राफ्ट और बिल. वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको. हम लेते हैं टाइटल का रेफरेंस ले सकते हैं. हमने बहुत सारे केसेस के बारे में डिस्कशन किया है, बहुत डिटेल में डिस्कशन किया इंटरनल एड्स का. अब हम एक्सटर्नल एड्स को डिस्कशन करने जा रहे हैं. दैट तो एक्सटर्नल एड्स में बेसिकली हम रेफरेंस तब लेते हैं जब हमें इंटरनल एड से कोई हेल्प नहीं मिलती है, यानी कि हमें उस कॉन्स्टिट्यूशन उस स्टैट्यूट को इंटरप्रिटेशन करते वक्त हम ये नहीं देख पाते हैं कि हमें कहीं किसी क्लॉज से कोई उसका कंटेक्स्ट नहीं मिल पाता है, टाइटल नहीं मिल पाता, टाइटल से कोई हेल्प नहीं मिलती है हमें, उसके प्रीएम्बल से भी कोई हेल्प नहीं मिलती है, हम उसके इलस्ट्रेशन से भी कोई हेल्प नहीं निकाल पाते हैं और हम उसके देन हम वी आर टॉकिंग अबाउट द रेफरेंसेस. हम उसके रेफरेंसेस ढूंढते हैं कि स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने के लिए क्या रेफरेंसेस ले सकते हैं, जो कि बहुत यूज़ होता है मॉडर्न डेज में. तो रेफरेंसेस हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? हम टेक्स्ट बुक से रेफरेंस ले सकते हैं. यहाँ पर टेक्स्ट बुक क्या है? टेक्स्ट बुक्स वो हैं जो किसी स्कॉलर ने लिख दिए हैं, किसी रिटायर्ड जज ने लिख दिया है, कोई रिटायर्ड जज ने लिखते वक्त अपनी किसी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से कोई किताब लिख दी है और वो उस किसी केस को आइडेंटिफाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो हम उसके उस बुक का रेफ़र कर सकते हैं. वी कैन रेफ़र द प्रिलिमिनरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाके हेल्प ले सकते हैं. प्रीवियस लेजिस्लेशंस को हम देख सकते हैं, डिक्शनरीज को देख सकते हैं, डॉक्ट्राइंस देख सकते हैं, प्रीवियस डिसीजंस देख सकते हैं कि ये केस में क्या रेफरेंस था और उसमें क्या डिसीजन दिया गया. तो दीज आर द एक्सटर्नल रेफरेंसेस. तो आज हम इन एक्सटर्नल रेफरेंसेस को कवर करने के लिए, तो सबसे पहले हम कवर करते हैं टेक्स्ट बुक. तो टेक्स्ट बुक क्या है? टेक्स्ट बुक्स आर मेनली रेफर्ड बाय द कोर्स टू अराइव एट द ट्रू मीनिंग ऑफ द एनेक्टमेंट. मतलब किसी स्कॉलर ने कोई बुक लिख दी है या फिर किसी ने उस केस से रिलेटेड कुछ कोई केस से रिलेटेड कुछ बहुत सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड बहुत वास्ट आपको कुछ मटेरियल है जो जजेस को स्टडी करना है, तो उस टेक्स्ट बुक का रेफ़र कर सकते हैं. दे कैन बी मैनी वेरी गुड स्कॉलर्स, वेरी गुड ऑथर्स एंड दे कैन बी स्कॉलर्स, दे कैन बी रिटायर्ड जज, उनकी बुक्स का रेफरेंस ले सकते हैं. यहाँ पे बहुत फेमस केस है, केस वन इन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. आपको ये केस कई जगह आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं, तो ये केस तो आपको भूलना ही नहीं है. इसमें क्या है कि केशवानंद भारती और स्टेट ऑफ केरला के केस को सॉल्व करते वक्त जो जजेस थे उनके पैनल ने बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स के कोड, बहुत सारे जजेस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को देखा और उन्होंने पाया कि हर किसी के ओपिनियन बहुत डिफरेंट हैं और उनके रेफरेंस में काउंटर ओपिनियन भी बहुत ज़्यादा हैं. तो दे आर कमिंग अप इन द ऑप्शंस लाइक वो इस ओपिनियन पे आए कि दैट द सेफेस्ट कोर्स फॉर द कोर्ट वाज टू इंटरप्रेट कीपिंग इन माइंड ऑलवेज द होल कंटेक्स्ट ऑफ द इश्यूज. तो ये उन्होंने देखा कि उस जो इशू है उसके होल कंटेक्स्ट को
देखा जाए रैदर देन काउंटर ऑफ़ रेफरेंसेस के। तो यानी कि जो ओपिनियन है उस टेक्स्ट बुक का वो दो डायरेक्शन में जा सकती है, वन इज़ नेगेटिव डायरेक्शन एंड अनदर वन इज़ पॉजिटिव डायरेक्शन। यानी कि अगर हमें कोई ओपिनियन से रिलेटेड सब्जेक्टिव मैटर बहुत अच्छा मिल गया है और हमने उसके रेफरेंस में हम किसी कंक्लूजन पे पहुँच रहे हैं, देन वी आर गुड फॉर द रेफरिंग दैट टेक्स्ट बुक, अदरवाइज वी आर नॉट गुड फॉर रेफरिंग दैट टेक्स्ट बुक, दे वी कैन रिजेक्ट दैट टेक्स्ट बुक। सो इस मैटर में केशवन एंड भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, ये जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इस एक्ट को समझने में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिक्शनरी, डिक्शनरी मीनिंग में देखते हैं। डिक्शनरी इज़ आल्सो अ आउटसाइड वर्ड। डिक्शनरी में क्या होता है कि अगर हमें किसी वर्ड की जनरल मीनिंग निकालनी है, अब जनरल मीनिंग निकालने के लिए हम क्या जाएंगे, डिक्शनरी में जाएंगे। अब डिक्शनरी में हम उस वर्ड को देखेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि डिक्शनरी में जो वर्ड हमारा दिया गया है वो वर्ड बहुत ही ज़्यादा, टू फाइंड आउट द ऑर्डनरी सेंस ऑफ वर्ड्स डिक्शनरी कैन नेचुरली बी हेल्पफुल। डिक्शनरी कैन देयरफॉर बी कंस्ट्रक्टेड बाय द कोर्ट्स व्हेनेवर द नीड्स अराइज टू नो द ऑर्डनरी सेंस ऑफ वर्ड्स। जब हमें ऑर्डनरी सेंस निकालना किसी वर्ड का तो डिक्शनरी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन कोर्ट मस्ट बी केयरफुल फॉर यूजिंग दैट डिक्शनरी। किसी भी डिक्शनरी को यूज़ करने से पहले, उसकी मीनिंग को यूज़ करने से पहले, आपको मैंने बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बताया है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स को करते वक्त आपको इंटेंशन, जो लेजिस्लेचर की इंटेंशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो परसिस्ट होनी चाहिए, और दैट शुड नॉट बी, उसका मीनिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि चेंज हो जाए। तो इसमें एक दो केस हैं जिनके केस रेफरेंसेज आप दे सकते हैं। वन इज़ आलमगीर वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। आलमगीर और स्टेट ऑफ बिहार में का एक केस था। इसमें क्या था कि इसने सेक्शन 498 आईपीसी के तहत एक केस फाइल किया कि फॉर कीपिंग वन पर्सन, केस फाइल अगेंस्ट पर्सन जो अपीलेंट था उसको चार्ज किया गया फॉर हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 498, और उसको क्या कहा गया, कीपिंग विद हिम अ मैरिड वोमेन। उससे ये कहा गया कि उसने अपने पास एक मैरिड वोमेन को रखा हुआ है। द रेलिवेंट सेक्शंस रीड्स, अब मैं आपको पूरा सेक्शन से रीड करके बता देता हूँ कि हु एवर टेक्स आर एंटिसेस अवे एनी वोमेन हुज एंड हुम ही नोज आर हैज़ रीजन टू बिलीव टू बी द वाइफ ऑफ एनी अदर मैन फ्रॉम दैट मैन और फ्रॉम एनी पर्सन हैविंग द केयर ऑफ हर ऑन बिहाफ ऑफ दैट मैन विद इंटेंट दैट शी मे हैव इलिसिट इंटरकोर्स विद एनी पर्सन और कंसील और डिटेन विद दैट इंटेंट एंड सच वुमेन शैल बी पनिश्ड विद ऑन द कंटेंशंस ऑफ द एक्यूज वॉज दैट सिंस द वोमेन हैड कम टू लिव विद हिम वॉलेंटरली लिविंग हर हस्बैंड। उसका क्या था कि वो वुमेन जो है वो उसने वॉलेंटरली अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है एंड ही कुड नॉट बी सेड दैट ही हैज़ डिटेन्ड हर, और वो ये नहीं कह सकता कि उसने उसको डिटेन कर रखा है, वो अपनी मर्जी से उसके पास रह रही है। एंड रिजेक्शन ऑफ दिस कंटेंशन द सुप्रीम, और इस कंटेंशन को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। किस ग्राउंड पर रिजेक्ट किया, कोर्ट हेल्ड दैट इवन दो द वर्ड डिटेन्स मैनी मीन्स, वर्ड डिटेन्स के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, एंड डिटेंशन अगेंस्ट द विल ऑफ डिटेनी, और डिटेंशन जो है वो विल डिटेनी के अगेंस्ट होना चाहिए, दिस डिक्शनरी मीनिंग इज नॉट द ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड, और ये डिक्शनरी मीनिंग इस वर्ड की ट्रू मीनिंग को नहीं जस्टिफाई कर सकती है। यहाँ पर क्या सीन था कि प्रोविजन एम्स एट प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ हस्बैंड, कि उसके हस्बैंड का राइट कहाँ गया, उसके हस्बैंड के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट एनीवन इंटरफेयरिंग विद इट बाय डिप्रीविंग हिम ऑफ द कंपनी ऑफ हिज वाइफ एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट देयरफॉर द कंटेंशंस ऑफ द एक्यूज्ड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। जो एक्यूज्ड की कंटेंशन है कि उसकी वाइफ अपनी मर्जी से उसके साथ रह सकती है, ये एक्सेप्टेड नहीं होगी। यहाँ पे हस्बैंड के राइट्स को भी देखा जाएगा। तो यहाँ पे देखो डिक्शनरी की मीनिंग नहीं काम आई। नंबर दूसरा केस, राम अवतार वर्सेस असिस्टेंट सेल टैक्स ऑफिसर। राम अवतार वर्सेस असिस्टेंट सेल टैक्स ऑफिसर का केस में क्या था कि उसने बताया था कि जो बीटल लीव्स है वो वेजिटेबल की कैटेगरी में आती है साहब। अब बीटल लीव्स अगर वेजिटेबल की कैटेगरी में आती है
फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, बिटर लीव वेजिटेबल किस कैटेगरी में नहीं आती है। तो उसने एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई डिक्शनरी मीनिंग में वेजिटेबल में जो दिया गया है वो उसको जस्टिफाई करती है। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डिक्शनरी मीनिंग में जो भी कुछ दिया गया है उसके रेफरेंस में दैट रिफ्लेक्ट द ट्रू इंटेंशन ऑफ फ्रेमर्स, वो जो दिया गया वो जो फ्रेमर्स ऑफ द स्टेट्यूट्स हैं उसकी ट्रू इंटेंशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ये तो उसके साथ एक तरह से उस कलरेबल हो गया, मतलब उसको एक छदम छद्म हो गया उसके साथ कि भाई डिक्शनरी मीनिंग के पे अगर जाया जाएगा तो दैट इज़ बेसिकली इट कैन नॉट बी वेवर ऑफ कम्स इन द कैटेगरी ऑफ वेवर ऑफ टैक्स, ये कैटेगरी ऑफ वेवर ऑफ टैक्स में नहीं आएगा बिकॉज डिक्शनरी मीनिंग यहाँ पे जो है और जहाँ पे जो लेजिस्लेचर का सेंस है वही है ऑर्डनरी वेजिटेबल से है जो डेली हम लोग यूज़ करते हैं, काटते हैं, खाते हैं, पकाते हैं, बिटर लीव्स उस कैटेगरी में नहीं आता है, राइट। सो दीज आर द बेसिकली डिक्शनरी मीनिंग एंड वी कवर्ड दैट द टेक्स्ट बुक मीनिंग। नाउ वी विल टॉक अबाउट समथिंग लाइक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लाइक कभी कभी हमें नहीं समझ में आता है कि लॉ किससे रिलेटेड, तो हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाके देखते हैं कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या डिसीजन थे उसके। सो इट इज़ टू बी नोटेड दैट द कोर्ट इज़ एट लिबर्टी टू लुक इन टू द हिस्ट्री ऑफ लॉ एंड लेजिस्लेशन एंड टू सीक हेल्प फ्रॉम द अदर हिस्टोरिकल फैक्ट विच इज़ इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट विल बी नेसेसरी टू गेट द ट्रू मीनिंग ऑफ एनेक्टमेंट। अगर उसको लगता है कि उसकी ट्रू मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसको उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर जाना पड़ेगा जो उसकी ट्रू मीनिंग दे सकते हैं, तो कोर्ट ऑब्वियसली उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएगा और उसकी ट्रू मीनिंग को खोजने की कोशिश करेगा। But the court should be careful not to enter into the legislative field by giving an interpretation which it only thinks was perhaps in the mind of the legislature, but it is not otherwise from the words of the statutes. Means जो real intention of the statutes है वो change नहीं होनी चाहिए historical background में जाने के बाद भी, ठीक है। So लेजिस्लेटिव हिस्ट्री, कई बार लेजिस्लेशंस हैं, पुराने वाद हैं उनका रेफरेंस ले करके वो नए वाद को निर्धारित करने में काम आते हैं। यहाँ भी आपको देखो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। इसमें केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला में सेड दैट द स्पीचेस मेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर इन द कोर्ट ऑफ डिबेट्स रिलेटिंग टू एन इनेक्टमेंट ऑफ द स्टेट्यूट्स कैन नॉट बी यूज्ड एज द एड फॉर इंटरप्रेटिंग एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द स्टेट्यूट्स। ही कोटेड विद द अप्रूवल द फेमस लाइन्स दैट दोज हु डिड नॉट स्पीक मे नॉट हैव एग्रीड विद दोज हु डिड एंड दोज हु स्पोक माइट डिफर फ्रॉम ईच अदर, राइट। सो इस तरह से इसमें केशवानंद भारती मैटर का हम रेफरेंस दे सकते हैं। नाउ हम उसकी तो इसमें बेसिकली हम एविडेंसेस पे जा सकते हैं पुराने, और पुराने केस लॉ के रेफरेंसेस पे भी हम जा सकते हैं कि पुराने केस लॉ के क्या रेफरेंसेस हैं, उनके जजमेंट पुराने जजमेंट्स पे जा सकते हैं। सो दीज आर बेसिकली द एक्सटर्नल आर एक्सट्रेंसिक एड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट्यूट्स। सो दीज वी कवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल मीनिंग ऑफ स्टेट्यूट्स, एक्सटर्नल एड्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट्यूट्स। सो गाइज, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप बेल आइकन दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये नोटिफिकेशंस ये मैटर हम आप तक पहुँचा सकें और हमारे और आपके बीच में संपर्क बना रहे। धन्यवाद।